नगर निगम शिमला चुनाव में कांग्रेस की जीत, 34 में से 24 वार्डों में मिली जीत, देश भर में जाएगा कांग्रेस की जीत का संदेश। शिमला में नगर निगम चुनाव परिणाम, मंत्री विक्रमादित्य सिंह का रिकॉर्ड कार्ड सबसे बेहतर, शिमला ग्रामीणों की चारों सीट पर दर्ज की जीत। कुल्लू के बधा गोंपा में कार्यक्रम धूमधाम से मनाई गई भगवान बुद्ध की जयंती, कार्यक्रम में सीपीएस सुंदर ठाकुर भी हुए शामिल। सोलन के धर्मपुर में बनेगा आदर्श अस्पताल, कसूली विधायक ने दी जानकारी, लोगों को मिलेगी स्वास्थ्य सुविधाएं। और कुल्लू में पीपल मेले का आयोजन, पैराग्लाइडिंग का मजा ले रहे पर्यटक, ढालपुर में हवा में अठखेलिया कर रहे लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका हिमाचल की खबरों में, मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नगर निगम शिमला में 10 साल के बाद कांग्रेस पार्टी को बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस पार्टी ने 34 में से 24 सीटों पर कब्जा किया है, जबकि बीजेपी के खाते में 9 और सीपीआईएम के खाते में 1 सीट आई। चुनाव में 20 महिला प्रत्याशी विजय हुई हैं। इस जीत से कांग्रेस पार्टी काफी उत्साहित है और जीत का जश्न मुख्यमंत्री आवास से लेकर कांग्रेस ऑफिस तक देखने को मिला, जहां पार्टी प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य नेताओं ने पत्रकार वार्ता की और जनता का आभार जताया। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस बड़ी जीत को जनता की जीत करार दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के 5 माह का कार्यकाल और कांग्रेस की गारंटियां जनता के लिए हितकारी नहीं है, यही वजह है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को नगर निगम शिमला में भारी मतों से जीत दर्ज कराई है। कल आए होंगे या आज आए होंगे, उसके बाद वो चले गए, शिमला है और वो कहां होंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस सारी चीज को लेकर कहना नहीं चाहता। और एक बात तो ये, ऑर्गेनिक मैंडेट को प्रभावित करने का प्रयास हुआ और उसमें सफल हुआ। एक मैं एक बात और भी कहना चाह रहा हूँ, शिमला के इस सारी उसको ये सरकार के प्रभाव में ये चुनाव हो, कर्मचारियों को आचार संहिता के लगने के बीच में डीए की किस्त जारी करना, घोषणा करना, कर्मचारियों को रेगुलर करने की, जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे थे उनका कॉन्ट्रैक्ट पे जो है उसके घोषणा करना, ये 3 महीने पहले की जा सकती थी, 4 महीने पहले की जा सकती थी, लेकिन कॉरपोरेशन के चुनाव के बीच में ये सब घोषणा करना, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं। आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, मंच में बैठे सभी मंत्रीगण, सभी विधायकगण, सभी प्रेस के बंधु, सबसे पहले तो आज मैं जो हमारे कॉरपोरेशन का रिजल्ट निकला है, जितने भी पार्षदगण जीत कर आए सबको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जो हमने लोगों को प्रोमिसेस किए हैं उसको विधिवत तरीके से उस कार्य को करेंगे। देखिए, मैं शिमला की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि शिमला की जनता ने 5 महीने हमारी सरकार को बने हुए अभी तक हुए हैं और हमें जितने भी नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा सीटें हमें दी है और मुझे खुशी इस बात की भी है। ये चुनाव जो अभी हुआ वो हाथ के निशान पर हुआ था, चुनाव चिन्ह के निशान पर हुआ था। पिछले चुनाव थे वो चुनाव चिन्ह पर नहीं हुए थे, तो लोगों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियां, कांग्रेस ने पार्टी के कार्यक्रम और हमारी सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसके पक्ष में मतदान किया दिया है। मैं शिमला की जनता का, नगर निगम में रहने वाले सभी व्यक्तियों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। शिमला नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। 34 सीटों में से कांग्रेस ने 24 सीटों पर कब्जा किया है। इन चुनावों में मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री चुनावी प्रचार में उतरे थे, लेकिन इन चुनावों में सबसे अच्छा रिपोर्ट कार्ड लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह का रहा। शिमला ग्रामीण में 4 नगर निगम के वार्ड आते हैं और इन चारों वार्डों में कांग्रेस ने जीत का परचम लहराया है। हालांकि 2017 में शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से केवल कांग्रेस 1 सीट ही जीत पाई थी, लेकिन इस बार विक्रमादित्य सिंह का जादू चला और चारों सीटें कांग्रेस की झोली में डाली है।
विक्रमादित्य सिंह ने इन चारों सीटों के अलावा शिमला शहर के कई वार्डों में चुनावी प्रचार किया था और जहां से कांग्रेस के उम्मीदवार भी जीते हैं। आज कांग्रेस पार्टी को नगर निगम चुनावों में पूर्ण बहुमत मिली है। मैं इसके लिए शिमला शहर की प्रबुद्ध जनता का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे पार्टी के नेतृत्व पे अपना भरोसा जताया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सुखू जी और हमारी प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह जी और सभी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और सभी साथियों ने जो इस इन चुनावों में जाकर लोगों के बीच में जाकर जनसमर्थन प्राप्त किया। नगर निगम शिमला में 34 वार्डों में जीत के बाद आज सुखविंदर सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर व शिमला के विधायक हरीश जनारथा ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार व्यक्त किया। साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश मिला है। ये सरकार के कामों पर जनता की मोहर है। पूर्व सीएम ने इस जनादेश को ऑर्गेनिक नहीं है, ऑर्गेनिक का मतलब कांग्रेस पार्टी यही निकाल पाई है कि ये शिमला की जनता का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की जनता का वोट है। लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4 शून्यों से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है और इस 4.5 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्जाम था, हमारा जो पहला चुनाव था जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। के बावजूद भी आप सभी इतनी भारी तादाद में आए हैं, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। सर्वप्रथम मैं शिमला म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की प्रभु जनता जनार्दन का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता जिनके परिश्रम और संघर्ष से ऐतिहासिक जीत कांग्रेस पार्टी को हासिल हुई। जैसे चौहान साहब ने कहा, आज तक के हिमाचल के इतिहास में चाहे कोई भी रूलिंग पार्टी रही हो, चाहे कांग्रेस की बात है, बीजेपी की बात है, कभी भी इतनी सीटें 24 सीटें नहीं आई है। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते बधा गोम्पा में हिमालयन बुद्धिस्ट सोसाइटी के द्वारा भगवान बुद्ध की जयंती मनाई गई। बौद्ध संप्रदाय से जुड़े हुए लोगों के द्वारा इस कार्यक्रम के दौरान विशेष पूजा अर्चना की गई, तो वहीं CPS सुंदर ठाकुर भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल रहे। CPS सुंदर ठाकुर ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान बुद्ध ने अपने पूरे जीवन में शांति का संदेश दिया और आज भी विश्व के कई देश उनके इस संदेश की अनुपालन कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आज ही के दिन 563 ईसा पूर्व भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी तिथि को बोधिसत्व की प्राप्ति और परिनिर्वाण भी 483 ईसा पूर्व इसी तिथि को हुआ। ये एक महत्वपूर्ण तिथि है। हमें भगवान बुद्ध के शांति, करुणा, अहिंसा संदेश को अपने जीवन में उतारकर समाज में व्याप्त कुरीतियों को मिटाना होगा। लोक मान्यताओं के अनुसार बुद्ध भगवान श्री विष्णु के 9वें अवतार थे। बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए सबसे बड़ा उत्सव है। इस दौरान TCS सुंदर ठाकुर ने बधा गोम्पा के सौंदर्यकरण के लिए भी धनराशि देने की बात कही। मैं यहाँ पे बधा गोम्पा में जो हमारे यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा के उपलक्ष पे यहाँ पे सारे हमारे वरिष्ठ लोग, पूरे समुदाय के, बुद्ध समुदाय के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और ऐसे मौके पे इनका जनप्रतिनिधि होने के साथ साथ मैं जिस
पार्टी से मैं संबंध रखता हूँ, उसमें धर्म निरपेक्षता एक अहम उसमें जो है हमारा एक बिंदु है और उसी के तहत हम सभी धर्मों की कदर करते हैं। कुल्लू जिला मुख्यालय के ढालपुर में जहां बसंत उत्सव का लोग आनंद ले रहे हैं, तो वहीं ढालपुर में शुरू हुई नई पैराग्लाइडिंग साइट में मानव परिंदे उड़ान भरते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जहां बसंत उत्सव में व्यापारिक मेला चल रहा है, तो वहीं दूसरे मेले में आने वाले लोगों के लिए पैराग्लाइडिंग भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बीते दिनों हुई बारिश के बाद आज आसमान साफ होने के इस बाद ढालपुर में पैराग्लाइडिंग होते देख लोग इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद करने लगे। आपको बता दें कि सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के प्रयासों से ढालपुर में नई पैराग्लाइडिंग साइट शुरू हुई है। पैराग्लाइडिंग करने आने वाले पर्यटकों का कहना है कि यहां पर पैराग्लाइडिंग करते समय कुल्लू शहर का बहुत ही मनमोहक नजारा देखने को मिल रहा है। कुल्लू शहर के ऊपर उड़ान भरते मानव परिंदों को देखने के लिए स्थानीय लोगों का भी हुजूम जमा रहता है। हम लोग 20 लोग आए हैं और हमने फर्स्ट टाइम, मुझे वो हाइट से बहुत डर लगता है, तो मैंने ऊपर से देखा कि यहाँ सब ब्रेक कर रहे हैं। मैंने कुल्लू देखना था तो हम लोग वहाँ से जम के, इतनी से थोड़ी सी डर लगा, फिर ऐसे घर ऐसे छू मन रहा, हम ऐसे कभी बर्ड्स तो नहीं बन सकते, ऐसा लगा कि हम पंच बन के उठ रहे। बहुत अमेजिंग व्यू, और कुल्लू है ना बहुत 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 बढ़िया है, लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। हम सूरज चाहे 20 लोगों का ग्रुप है पैराग्लाइडिंग करने के लिए स्पेशली, और ऊपर से आते हैं ना तो व्यू तो बहुत ही बढ़िया है, सब कुछ दिखता है नजदीक का, और डर है ना वो सब निकल जाता है, जो भी होता है ना वो सिर्फ वहाँ पर पैर पांव रखते निकलते डर चला गया। फर्स्ट टाइम किया लाइफ में, पहली बार इतनी ऊपर से जंप मारा लाइफ से पहली बार। अभी ये कुल्लू में रिवर राफ्टिंग किया और अभी पैराग्लाइडिंग भी करना था तो यहाँ पे किया हमने। स्टार्टिंग में पहले बहुत डर लगा बट बाद में हो गया स्टेबल और बहुत मजा आया। ऊपर से तो पूरा व्यू एकदम मस्त था और मजा आया। लाइफ में एक वन टाइम तो करना चाहिए एडवेंचर। कसौली विधानसभा क्षेत्र के स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी है, जहां पर बड़ा अस्पताल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र धर्मपुर है, जहां पर सुविधाओं के अभाव में मरीजों को सोलन इलाज करवाने आना पड़ता है। यहां स्वास्थ्य सुविधाएं ना के बराबर हैं। कसौली के विधायक ने इस पर संज्ञान लेते हुए कहा कि कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में आदर्श अस्पताल बनाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों सहित सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।